हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फॉर लूप जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग उसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप को हम डिफरेंट सिंटेक्स में कैसे दे सकते हैं और उनका क्या रिजल्ट आता है। सो टुडे वी विल डिस्कस फॉर लूप इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहले हम इसको लिखते हैं कि द फॉर लूप इन डिफरेंट वेज या डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अगर हम कोई सी का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एग्जांपल ये लिया, एग्जांपल पे तौर पे हमने लिया कि राइट डाउन द प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन डिफरेंट वेज। तो हमें क्या करना है, हमने हमें ये करना है कि राइट डाउन द प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक के बीच में हमको नंबर को प्रिंट करना है। इसके लिए हम प्रोग्राम को फॉर लूप की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट ढंग से बना सकते हैं। अब देखिए, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमने पहला केस लिया, तो हमने क्या किया, हमने लिखा मेन। आज का लेक्चर करने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि आपको फॉर लूप को किसी भी सिंटेक्स में आप यूज करने में सक्षम हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने यहाँ कहा मेन, उसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर आई। ठीक है, अब आपने क्या किया, फॉर यहाँ पे आई को इनिशलाइज किया 1, फिर आई यहाँ टेस्टिंग कंडीशन डाल दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी इनिशलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंटेशन तीनों एक स्टेप में हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन, हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हर बार वैल्यू जो है नई लाइन में प्रिंट हो। एम परसेंट किया हमने और यहाँ लिख दिया हमने आई इस तरह। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन पे जो वैल्यूज आएंगी प्रिंट टाइप करके, वो जो आई इक्वल टू 1 तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। और जैसे ही 10 के बाद ये इंक्रीमेंट होगा 10 और 11, यहाँ पे टेस्टिंग कंडीशन वो चेक करेगा वेदर आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 इज नॉट इक्वल टू लेस देन 10, फॉर का लूप एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि चूंकि फॉर के लूप में केवल एक सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ पे वी हैव टू गिव ओनली वन स्टेटमेंट, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के लिए उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिंगल स्टेटमेंट देना है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट देने होते तो यहाँ पे हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप हटा दीजिए। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दूसरे ढंग से हम कैसे इसी चीज को कर सकते हैं। हमने कहा मेन, फिर हमने यहाँ डिक्लेयर किया इंटीजर आई, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा फॉर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ कर दिया आई इक्वल टू 1, टेस्टिंग कंडीशन भी हमने यही डाल दी आई इज लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन इंक्रीमेंट वाला हम पार्ट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो ये हमने यहीं पे एंड करके ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर का बॉडी लगाया क्योंकि हमको दो स्टेटमेंट देने, प्रिंट एफ यहाँ हमने लिखा परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा आई। ठीक है, ये हो गया। और प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू हमने आई को यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1, और ये फॉर की बॉडी अंदर हो गई और ये मेन की हो गई। तो इसमें क्या होगा, हियर द इंक्रीमेंटेशन इज डन विद इन द बॉडी ऑफ द फॉर लूप एंड नॉट इन द फॉर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो कहलाता है, जैसे ये है, ये लाइन तो कहलाती है फॉर स्टेटमेंट, ये क्लियर कर लीजिए।
और ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं ये कहलाता है, ये होता है फॉर लूप। ये तरह से हो गया बॉडी ऑफ द, बॉडी ऑफ द फॉर लूप। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्रीमेंटेशन जो है वो फॉर लूप की बॉडी के अंतर किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि ये देखिए, ये जो सेमी कॉलन है ये वाला, ये आपको यहाँ लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखते हैं कि भाई आई इक्वल टू 1 कॉमा आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। तो ये सब चीजें आपको प्रोग्रामिंग में आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि एक एरर से ही आप परेशान हो जाएंगे और प्रोग्राम रन नहीं करेगा, जबकि वो बहुत छोटी सी चीज होगी। और ये सब बारीकियां, ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आप मास्टरी कर लेंगे तो फिर आपको और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया दूसरे ढंग से फॉर लूप को इस्तेमाल करना। अब आ जाइए थर्ड टाइप। थर्ड टाइप से हम कैसे फॉर लूप सेम प्रोग्राम को हम तीसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए थर्ड, उसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया मेन, यहाँ पे हमने लिखा मेन, फिर इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि फॉर आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन तो यहाँ कर दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप ऊपर ही इनिशियलाइज कर दीजिए, मतलब जहाँ आपने डिक्लेयर किया है आई वेरिएबल को यहीं पे आप डिक्लेयर कर दीजिए आई इक्वल टू 1 ऐसे। तो आई को हमने यहीं डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, हमने कहा फॉर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने यहाँ डिक्लेयर भी कर दिया है तो भी अगर आपने कहा सर हम यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे तो ये गलत सिंटेक्स हो जाएगा। आपको चूंकि आपने इनिशियलाइजेशन काम यहाँ पे कर दिया है तो उसका सेमी कॉलन आपको यहाँ पे लगाना रहेगा, ठीक है। ये सेमी कॉलन ये इंडिकेट करता है कि इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी इस लाइन में किया जा चुका है। इस तरह करने के बाद फिर आप लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन आई और स्टेटमेंट क्लोज और यहाँ पे मेन की बॉडी क्लोज। तो यहाँ पे भी देखिए फॉर स्टेटमेंट में आपको सिंगल स्टेटमेंट देना है तो आपको फॉर की बॉडी के कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हमने यहीं पे कर दिया, ये वाला सेमी कॉलन बहुत जरूरी है लगाना, ये ध्यान रखिएगा, और बाकी क्लियर है। तो इस तरह से भी आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। हियर द इनिशियलाइजेशन इज डन इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ बट स्टिल द सेमी कॉलन बिफोर द कंडीशन इज नेसेसरी। ये ध्यान रखिएगा कि इनिशियलाइजेशन आपने कर दिया है तो भी सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप पे, हम कैसे बना सकते हैं इसको। इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए हमने लिखा मेन, यहां हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया इंटीजर आई इक्वल टू 1 और फिर हमने लिखा फॉर और चलिए आई इक्वल टू 1 वाला सेमी कॉलन ये लग गया। फिर हमने यहाँ पे दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और इंक्रीमेंट वाला भी हम यहाँ नहीं दे रहे तो उसका भी सेमी कॉलन आप लगाएंगे ये। फिर आपने यहाँ फॉर की बाउंड्री शुरू की, यहाँ पे नंबर प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ एम परसेंट डी स्लैश एन आई और इंक्रीमेंट वाला स्टेप आप यहां भी दे सकते हैं आई प्लस 1, ये फॉर की बॉडी बंद हो जाएगी, ये मेन की बॉडी बंद हो जाएगी। इसमें क्या है, हियर नाइदर द इनिशियलाइजेशन नॉर द इंक्रीमेंटेशन, ठीक है, इज डन इन द फॉर स्टेटमेंट बट स्टिल द टू सेमी कॉलन आर नेसेसरी। मतलब कि देखिए ना तो ये इनिशियलाइजेशन यहाँ हो रहा है, इंक्रीमेंटेशन यहाँ हो रहा है, उसके बावजूद फॉर स्टेटमेंट में ये जो सेमी कॉलन है और ये जो सेमी कॉलन है ये
जरूरी है लगाना। ठीक, तो ये एक और टाइप हो गया फॉर स्टेटमेंट का यूज करने का। अब नेक्स्ट टाइप पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लीजिए ए बी सी डी। अब मान लीजिए ई, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा मेन, ठीक है, और डिक्लेयर करेंगे इंटीजर आई, ये डिक्लेयर कर दिया हमने। और हमने क्या किया, फॉर आई इक्वल टू 0, सेमी कॉलन, यहीं पे हमने इंक्रीमेंट यहीं कर दिया, आई प्लस प्लस इज लेस देन 10, ऐसे देखिए। और यहां हमने लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन आई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें द कंपेरिजन एज वेल एज द इंक्रीमेंटेशन इज डन थ्रू द सेम स्टेटमेंट। मतलब कंपेरिजन, आप ये देखिए यहां पे कंपेरिजन और ये, ठीक है, कंपेरिजन एज वेल एज इंक्रीमेंटेशन, ये दोनों इज डन थ्रू द सेम स्टेटमेंट। तो आई प्लस प्लस 10 का मतलब ये होगा, जब आप आई प्लस प्लस इज लेस देन 10 का मतलब ये हुआ कि आई में जो वैल्यू है वो पहले आप बढ़ा दो फिर आप उसको चेक करो। मतलब यहाँ पे आई क्या है, 0 है, तो ये शुरू होगा 1 से। मतलब आई प्लस प्लस मतलब 0 प्लस 1 1, पहले वो 1 को चेक करेगा लेस देन 10 है फिर ये काम होगा, फिर 1 में एक बढ़ जाएगा 2 को चेक करेगा फिर ये काम होगा, फिर 2 में एक बढ़ जाएगा 3 होगा फिर ये काम होगा, और ऐसे होते 10 तक ये प्रिंट होगा। और जैसे ही 10 प्लस 1 ये 11 हो जाएगा, फॉर स्टेटमेंट बंद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो स्पेशल ऑपरेटर हुआ है प्लस प्लस ऑपरेटर, देखिए ये, ठीक है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इट कम्स आफ्टर आई फर्स्टली कंपेरिजन इज डन फॉलोड बाई इंक्रीमेंटेशन। तो जब आप इसको देखिए दो तरीके, अगर आप इसको आई प्लस प्लस लिखोगे आप, तो इसमें क्या, जैसे आपने लिखा आई प्लस प्लस इज लेस देन 10, इसमें क्या होगा कि सिंस द प्लस प्लस ऑपरेटर कम्स आफ्टर आई फर्स्टली कंपेरिजन इज डन, चूंकि आई के बाद में ये आ रहा है तो आई की जो इनिशियल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या है 0, तो पहले ये चेक करेगा 0 इज लेस देन 10, उसके बाद इसको बढ़ा के क्या कर देगा, 1 कर देगा। यही चीज अगर अभी आप आगे आने वाले एग्जाम्स में देखेंगे और एग्जाम्पल्स में देखेंगे, अगर प्लस प्लस आई होता तो पहले वैल्यू को बढ़ाता तब कंपेयर करता, चूंकि आई प्लस प्लस लेस देन 10 है तो चूंकि ये ऑपरेटर आई के बाद में आ रहा है इसलिए आई की इनिशियल वैल्यू को पहले कंपेयर करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। यानी यहां पे आप लिख सकते हो फर्स्ट कंपेरिजन देन इंक्रीमेंट। ठीक, तो इस तरह से भी आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। और एक लास्ट तरीका है वो भी देख लीजिए। ई हो गया आपका, एफ पे आ जाइए। इसमें क्या होगा कि इसमें मान लीजिए हमने दिया इस तरह मेन, फिर ये मेन की बॉडी शुरू हो गई, फिर हमने यहाँ लिखा इंटीजर आई, यहाँ पे हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस आई पहले आया उसके बाद कंपेरिजन करेंगे 10 से, और फिर यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये हमने लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन और आई। ठीक, अब देखिए इससे भी वही काम होगा, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस प्लस आई है तो जब प्लस प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई को हमने इनिशियलाइज क्या किया है 0, तो पहले ये क्या करेगा आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। मतलब आई में
जीरो है उसको बढ़ा के वन कर देगा, तब कंपेयर करेगा 10 से। तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन कंपेयर, बस। तो इस तरह से देखिए, फॉर का जो हमने पहले दिन जो हमने पढ़ा था, एक सिंपल स्टेटमेंट सिंटेक्स था कि फॉर में यहां इनिशियलाइजेशन देते हैं, इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्टिंग कंडीशन, और फिर हम देते हैं इंक्रीमेंटेशन, है ना। ये एक तो एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स पढ़ा था, लेकिन इसको हम अभी आज के जो हमने 6 तरीके पढ़े हैं, 6 डिफरेंट फॉर्म हमने देखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि फॉर के सिंटेक्स को भी हम अपने हिसाब से, अपने सिंप्लिसिटी के हिसाब से, बेटर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, प्रोग्राम में जिस भी फॉर्म में यूज करना चाहे, 6 डिफरेंट वेज टू यूज फॉर स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।